Like the term suicide, this one is heavy to digest. Yes, it's really heavy to digest. हमने तो भी जब पता चला था कि ये टाइम के लिए जरा बड़े हो ये क्या हो गया सो हेलो गाइज, कैसा आप सब, क्या हाल चाल, वी होप यू आर हेल्दी। सो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड के बारे में, थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, थोड़ा सा रॉ होगा और बेसिकली वीडियो दो पार्ट्स में बनेगा। फर्स्ट पार्ट में हम हमारा खुद का जर्नी प्रोसेसिंग सब बताएंगे, MBBS अब्रॉड कैसा होता है, क्या होता है, और हमारे पर्सनल ओपिनियंस देंगे। और सेकंड पार्ट में जो मिसलिनियस बातें होंगी वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। मिसलिनियस इन द सेंस कि बतूमी में लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ पे खर्चा कितना रहने का, यहाँ पे मंथली कितना पे कर रहे हैं हम लोग, जो भी चीज़ें वो सेकंड पार्ट में बात करेंगे। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो बच्चे शुरू से शुरू करना चाहते हैं, मतलब प्रोसेस जानना चाहते हैं, उनके लिए ट्राई करेंगे जितना हो सकता है हमारी तरफ से समझाएं। तो ये डिवाइड होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले नेगेटिव्स बता दें आपको, नेगेटिव्स नहीं बट कुछ ऑनेस्ट चीजें बता दें जो है, जो होती है, जो आपको कंसीडर करनी चाहिए यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि ये चीजें इन मेजर चीजेस में भी आती है जिससे आपका डिसीजन चेंज हो सकता है अगर ये चीज आपको पता ना हो तो। ऑब्वियसली तो शुरू से शुरू करते हैं फिर, तो करना परेशान हो गए हम लोग कि हमारे दिमाग में आइडिया आया कैसे कि MBBS अब्रॉड करना। तो इंडिविजुअली शेयर करेंगे हमारी स्टोरीज। जब नीट का रिजल्ट आया हाथ में तो देखा कि भाई एलिजिबल तो हो गए इजीली, बट अब नीट क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अच्छा कर लेता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होगा मैं बैठ के पढ़ पाऊंगा बहुत घंटों घंटों और ज्यादा पढ़ पाऊंगा। तो पढ़ने के बाद हमारा सेम सिचुएशन है, हम दोनों को हमारा पोटेंशियल पता चल गया कि हम पढ़ाई में इतना अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, इतना अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, इतना अच्छा अगर पहले नीट में किया होता ना तो ये वीडियो ही नहीं बनता। मेरे को लगा कि हाँ बाहर जाके करना बेटर रहेगा, बट यहाँ पे एक चीज ऐसी है ना कि हम दोनों भी यही मानते हैं, अभी हम बात कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले, हम तो यही मानते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए इंडिया में करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है आपको इंडिया में क्यों करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट का बहुत मेजर चेंज आता है। जैसे कि अगर आप इंडिया में कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपकी फीस एज कम्पेयर टू अब्रॉड जस्ट 10 या 20% हो जाती है एज कम्पेयर टू अब्रॉड। तो ये आपको प्रायोरिटी देना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स का मनी बचाओ, क्योंकि आप ऑब्वियसली अभी अर्न करने ही रहे होंगे खुद के लिए, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखना चाहिए कि आपको इंडिया में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बट अगर नहीं मिले इनकेस अनफॉर्चुनेटली तो यही ऑप्शन हो जाता है। मेरा भी कुछ सेम ही सिचुएशन था, नीट हुआ, नीट का मार्क्स आया, एलिजिबल हो गया था, बट कॉलेजेस ढूंढने गया तो पता चला कि कॉलेज मिल रही है, तो काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में कॉलेज मिला नहीं, BDS मिल रहा था बट BDS मैंने चूज किया नहीं क्योंकि मुझे MBBS ही करना था। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मुझे तो पर्सनली एक ड्रॉप लेना था, ड्रॉप लेके देखना था, बट मेरे मॉम की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी जो तबलीसी में पढ़ रही है, उन्होंने मेरी मॉम को सजेस्ट किया कि आप ये भी एक ऑप्शन चूज रख सकते हो, पैसे बचाने और अच्छी डिग्री लेनी है तो इंडिया में पढ़ो अच्छे से और इंडिया में MBBS ट्राई करो कि यहाँ पे कर पाओ, क्योंकि पैसे भी बच जाएंगे, कम साल लगेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 साल लग रहे हैं, वहाँ पे 4.5 साल लग रहे हैं, मतलब 1.5 साल का गैप है, और 1.5 साल का गैप बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि हमको जाके इंटर्नशिप भी करनी है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से यहाँ पे, तो हमारा टोटल अराउंड 7 इयर्स तक हो जाता है सब मिला के, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। हाँ यस, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 6-7 साल इसी में चले जाएंगे, जहाँ की इंडिया के बच्चों का 5.5 साल में हो जाएगा इंटर्नशिप इंक्लूडिंग। तो ये 1.5 साल का जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी जब ये 1.5 साल का डिफरेंस मैटर करता है तो यहाँ पे ये भी चीज मैटर करती है कि प्रोसेसिंग का टाइम। हाँ, अभी प्रोसेसिंग का टाइम मुझे अलग लगा, आर्यन को अलग लगा, क्योंकि आर्यन का वीजा प्रोसेसिंग में टाइम लग गया था। हाँ, मेरा वीजा प्रोसेसिंग जल्दी हो गया था, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे आपको कि वीजा प्रोसेसिंग शुरू कहाँ से हुआ। अभी कंसल्टेंसी वालों ने मना लिया घर वालों को, क्योंकि कंसल्टेंसी वालों का ये होता है कि वो लोग ट्राई करते हैं कि घर वालों को जितना हो सकता है उतना कन्विंस करें। तो बेसिकली होता क्या है, आप जब काउंसलिंग के लिए जाते हो, काउंसलिंग के लिए MBBS अब्रॉड के लिए, तो आप जब जाते हो MBBS अब्रॉड के लिए किसी भी कंसल्टेंसी वालों के पास कि मेरे बेटे को MBBS अब्रॉड करना तो उसके बारे में बताओ, तो वो आपको सारी गुड चीज़ें बताएंगे जिससे आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाए।
तो सब पॉजिटिव चीजें बताएंगे, जैसे कि आपको पहले बता देंगे कि यहाँ की फीस बहुत सस्ती है प्राइवेट कॉलेजेस में से, बट वो लोग ये नहीं बताएंगे पेरेंट्स को कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस सिर्फ 10-20% होती है एज कम्पेयर टू अब्रॉड स्टडीज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताते जाएंगे जिनसे आपके पेरेंट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं, अपना अच्छा सोच के बोल देते हैं कि जा हम पे कर देंगे, हम पे करने के लिए रेडी है, बट तेरा लाइफ बन जाएगा। हाँ। अब इसके बाद क्या क्या होता है, तो कंसल्टेंसी वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मतलब रिजल्ट हो गया, फिर 12th का हो गया, फिर नीट का हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो हो गया, ओपन वाला, सब 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 सर्टिफिकेट हो जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है ये सब कंसल्टेंसी वाले आपसे लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में तकरीबन आपको 1-2 या 3 महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। अगर आपका पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट वेल एंड गुड, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका पासपोर्ट बनेगा, उसके लिए 1 महीना लगेगा। फिर वीजा प्रोसेसिंग होगा, अब वीजा प्रोसेसिंग वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि बहुत जनों के वीजा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी इंडिया में ही जो अब्रॉड करने का सोच रहे हैं, उनको उन कंट्रीज की वीजा नहीं मिल रहे, जिनकी वजह से उनका 1-1.5 साल बर्बाद हो जा रहा है। आफ्टर माय नीट रिजल्ट आई टुक नियरली एन ईयर टू कम टू बतौली। तो बट रिगार्डलेस ये 1 साल के बाद आया, इसने बहुत अच्छे में स्टार्ट किया। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो गए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होने लग जाए, मेंटली सफर करें, क्योंकि होता है घर पे बैठ के प्रेशर बनने लगता है। लेकिन मुझे बहुत कम टाइम लगा क्योंकि मेरा सब ऑन टाइम हो गया, जैसे आर्यन का ज्यादा टाइम लगा, मेरा ऑन टाइम हो गया, तो मैं आ गया था यहाँ पे, ऑलमोस्ट मेरा प्रोसेस चालू हो गया था 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने में आ गया था मैं इधर, और यहाँ पे आते ही मेरा कॉलेज शुरू हो गया था, मतलब मेरा यूनिवर्सिटी शुरू हो गया था, मेरा क्लासेस शुरू हो गए थे, मेरा सेम स्टार्ट हो गया था। आर्यन आया जुलाई में, मैं आया जून में, 1 महीना आर्यन लेट आया, लेकिन 1 महीना लेट आने की वजह से आर्यन को 4 महीने रुकना पड़ा, क्योंकि कंसल्टेंसी वाले ने बताया था कि मतलब बैचेस शुरू हो गए तो आप जा सकते हो। तो आपको ये भी चेक करना है कि अगर आपका प्रोसेसिंग सब टाइम पे फिनिश होता है तो यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके आप पूछो कि आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है। अगर बैच आपका तुरंत स्टार्ट हो रहा है तो आप तुरंत बैठ के टिकट बुक कर सकते हो और फिर आप यहाँ आ सकते हो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि आप जब यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपको पता करना पड़ता है कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी का, हम लोग BSU से, तो हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के पहले आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है जो कि आपको क्रैक करना पड़ता है, बट मतलब हो ही जाता है, इंटरव्यू क्रैक हो ही जाता है और आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। हाँ, अभी और हाँ, और एक बात कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक भी मिस्टेक नहीं हो सकती, अगर होगी तो वापस सबसे सब रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो कंसल्टेंसी वाले ये तो ध्यान में रखते हैं बट वो पैसा भी बहुत लेते हैं। हाँ, तो अगर आप अमाउंट की बात करोगे, आप अगर MBBS अब्रॉड का सोच रहे हो या फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रेडी रहना है कि आपका एटलीस्ट 9-10 लाख रुपीज जाने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो अब ये डिवाइडेड कैसा है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी की करंट फीस चेंज हो गई है $5,000, पहले 4,000 थी, हमारे लिए तो 4,000 ही होगी बट अभी $5,000 हो गई। तो अभी आप काउंट कर लो, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, $5,000 प्लस हॉस्टल का एकोमोडेशन का एटलीस्ट $3,000 होगा, 10 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी कंसल्टेंसी ने हम लोग से वन टाइम चार्ज लिया था $2,500, जिसमें वीजा प्रोसेसिंग से लेके फ्लाइट की टिकट तक सब इंक्लूडेड था। तो ये कितने हो गए आप काउंट कर लो, आर्यन ने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, ये पूरा कैलकुलेट कर लेना तो अबाउट $10,000 जाएगा, दैट इज अराउंड 10 लाख, 10 लाख के ऊपर ही जाता है, मतलब 9-10 लाख के आसपास ही होता है। तो ये हो गया फीस का। आपको लगेगा कि फर्स्ट ईयर के लिए फीस बहुत ज्यादा जा रही है, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, फीस ज्यादा जाएगी। उसके बाद सेकेंड ईयर में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि कंसल्टेंसी का और बाकी का जो मिसलेंस खर्चा था, और आप सेम वाइज भी फीस भर सकते हो कि ये सेम की फीस भरती, फिर सेकंड सेम की फीस भरती, बट आप जब यहाँ आ रहे हो आपको 1 ईयर का टोटल फीस भरना ही पड़ता है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा। अभी उस फ्रीडम को, उस आजादी को आप किस वे में लेते हो, आप अच्छे वे में लेते हो, आप बुरे वे में लेते हो, आप उसका अच्छा यूज करते हो, आप उसका बुरा यूज करते हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने उसका अच्छा मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने उसका अच्छा यूज किया, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि हमको दिखा कि फ्रीडम के कितने पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हैं और कितने
से नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है। हाँ। हमने दोनों बात देख ली है, देखे है बस। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, लेकिन उस फ्रीडम का अगर आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो दैट इज रियली रियली गुड फॉर यू एंड दैट विल कम आउट एज अ रियली टिप्स मांग रहा है। यस, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट बेसिकली। आप उठने से लेके सोने तक कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सो मैच्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एकदम अच्छे से बढ़ती है। आपकी मेन प्रायोरिटी यहाँ पे आके स्टडीज ही होगी, और हमारी सिटी ऐसी है कि उसको ऑस्कर मिला था लास्ट ईयर। तो अगर किसी सिटी को टूरिज्म मिला है तो किसी सिटी को अगर टूरिज्म में ऑस्कर मिला है तो आप सोच सकते हो कि ये क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्या क्या होगा उसका मतलब ये है ना कि इधर बीच है, इधर आलिनो है। अरे आलिनो के साथ तो स्कैमी हो गया अपने साथ तो भाई। हाँ। अगर आपने ये वीडियो YouTube पे TikTok पे आलिनो स्टैचू देखा है बतूनी का, और आप ये एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो कि ये बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा, मैं आपका ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। आलिनो उतने बड़े है नहीं जितने दिखते हैं। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये जितने भी लोग आते सब शॉक हो गए थे। मेरा थोड़ा दिल उठ गया था बतूमे से, जेन्युइनली बोल दो। क्योंकि बतूमे में आया तो मुझे लगा कि मैं आलिनो के पास कब जाऊंगा। जिंदा नहीं है वो लोग। और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, और वो देखने के लिए आपको मन। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप आए किस लिए हो यहाँ पे, और उस चीज पे फोकस रहना, और टॉपिक से भटकना नहीं है, और मकसद नहीं भूलना। हमारा मकसद ये है कि हमको आज बतूमे के बारे में जानना है कि बतूमे में आते कैसे, बतूमे में आना कैसे है, नीट में कम मार्क्स लाने आपको। जितने आप हमारे जो व्यूअर्स है उनको मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट बेंच पे बैठो प्लीज, क्योंकि बहुत से जन आएंगे फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे। तो उससे अच्छा आप पहले नीट में कम मार्क्स लाओ, फटाफट बतूमे का टिकट बुक करके फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ। ये वीडियो इसलिए था कि आप लोगों को एक मतलब बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूजन होता है ब्रेन में, ब्रेन फॉग जमा हो जाता है ना सोच सोच के, तो थोड़ा वो क्लियर हो जाएगा इससे। हमने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बताई हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव लगे या पॉजिटिव नेगेटिव लगे। एज आई सेड कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेवी टॉपिक है, राइट? लाइक द टर्म सुसाइड इटसेल्फ इज हेवी टू डाइजेस्ट। यस, इट्स रियली हेवी टू डाइजेस्ट। हम लोग को भी जब पता चला था कि बतूमे में सुसाइड हुआ है, तो हम भी थोड़े टाइम के लिए जरा बैठ गए थे कि ओह ये क्या हो गया। हम तो उतने क्लोज नहीं थे उस इंसान के या उन लोगों के जिन्होंने सुसाइड किया, बट जो भी लोग उनके क्लोज रहेंगे क्या इफेक्ट हुआ होगा उन पर, उनकी फैमिलीज पे क्या इफेक्ट हुआ होगा। सो बाय दिस वीडियो हम चाहते हैं कि अगर हमको 300 400 500 हज़ार लोग भी देख रहे हैं, अगर इतने लोग हमको देख रहे हैं, तो उसमें से एक भी इंसान के दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, लोकेलिटी, कम्युनिटी, रिलीजन, वॉट एवर द फैक्ट्स आर, इनके रिगार्डलेस वो इंसान को ये कभी थॉट नहीं आना चाहिए कि वो सुसाइड कर सकता है। सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन, डेथ इज नॉट द ऑप्शन। हमारे फैमिली ने हमको यही सिखाया कि डाइंग इज नॉट द ऑप्शन, बिकॉज आफ्टर डाइंग देयर इज नो ऑप्शन, मतलब आप आगे ही नहीं बढ़ सकते उसके बाद। किसी से भी बात करो, बात करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब आप कम्युनिकेट करोगे यू योर सेल्फ विल अंडरस्टैंड वेर यू आर स्टक। फिर आपको कभी भी डिप्रेशन का या फिर कोई एंग्जाइटी का, फिर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेंशन का थॉट आता है, तो आई वुड से यूज इट एज अ फ्यूल एंड नॉट एज अ थिंग टू डिप्रेस यू मोर। And this advice I think will help you a lot. तो ये वीडियो का perspective आपको पता चल गया होगा। तो हम लोग ने basically वीडियो में आपको हमारे perspectives बताए, जिससे आप figure out कर सकते हो कि आप MBBS abroad के capability में हो या नहीं, financially, mentally या physically। अगर आपको ये तीनों भी चीज़ें convenient लग रही है आपके हिसाब से, तो obviously MBBS abroad is for you guys। So अभी जैसे आपने हमारा point of view सुना suicide को लेके, आर्यन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैंने मेरा बताया, हम दोनों ने मिलकर हमारा बताया। सीरियस टॉपिक है, हम लोग थेरेपिस्ट नहीं है। प्लीज़ अगर कुछ गलती है तो लेट अस नो, विल इम्प्रूव, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो। वी वॉन्ट टू सेंड पॉजिटिविटी थ्रू दिस वीडियो। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। मेक श्योर दैट यू रिव्यू दिस वीडियो अगेन एंड मेक श्योर यू टिक द ग्रीन फ्लैग ऑफ दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट टू कम टू अब्रॉड। वी होप इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम आपको और डिटेल में समझाएं
कि यहाँ पे खर्चा कैसे होता है, और क्योंकि बहुत लोग ईगर है वो जानने के लिए, राइट? तो वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन दैट ऑल्सो. सो वी होप यू लाइक्ड इट. मेक श्योर यू स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लेट्स गो.